सो गुड मॉर्निंग गाइस, ये हमारा रूम था, चार बेड्स लगे हुए हैं यहाँ पे, बेसिकली एक ग्लास हाउस टाइप का ठीक था जो भी है। अभी समय पे पीक सीजन में ही यही सब रहता है। और ये यहाँ पे इनका किचन है और ये छोटी सी लॉबी होकर बाहर निकलते हैं। ये है भाई पद्मा गेस्ट हाउस, देखिए हिमालयंस खड़ी हैं और ये उधर हमारे भाई साहब खड़े हुए हैं धूप सेकते हुए सुबह सुबह। ये गाड़ी खड़ी है हमारी, बहुत गंदी हो गई है बट ये तो पहचान है लेह लद्दाख आने की। तो पद्मा गेस्ट हाउस में एक नाइट स्टे के बाद हम लोग 8 बजे मॉर्निंग में निकल रहे हैं उमलिंगला के लिए, विच इज द हाईएस्ट पास, पोर्टेबल पास इन द वर्ल्ड। तो गाइज लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। बोल शंकर भगवान की जय। पद्मा गेस्ट हाउस से निकल के लेफ्ट आप ले लीजिए और ये रोड सीधी सीधी कच्चे में आपको लेके जाएगी 3 पहाड़ क्रॉस करके एक अच्छी बनी हुई टार रोड पे। तो अभी बस उस टैक्सी को आगे हम फॉलो करके जा रहे हैं। सीधे 3-4 किलोमीटर आने के बाद ये एक ब्रिज पड़ा है, आप इस ब्रिज को क्रॉस करिए। और रोड पकड़ के चलते चले जाइए, गांव वो पड़ रहा है, रोड वहीं जा रही है। बस उस रोड से पुल को क्रॉस करके सीधे आके ये रोड लेफ्ट में कट जा रही है, इस रोड पे हम आगे बढ़ रहे हैं। चाहता हूँ ये वीडियो इस हिसाब से बने कि हमारी तरह आपको पूछ पूछ के उमलिंग लाना जाना पड़े मानले से। ये तो गांव में जा रहा है, ये सीधे बाईपास निकल रहा है गांव से, तो टायर ट्रैक्स देख के बेसिकली हमें जाना है उमलिंगला। अभी कई किलोमीटर तक ऐसा ही टूटा फूटा रास्ता मिलेगा। अभिषेक की फेंसिंग खोल दे जरा, यहाँ पे फेंसिंग खोल के हमें अंदर लेना है। ये हमारा दोस्त फेंसिंग खोलता हुआ, अभी से वापस हम लगा देंगे। कहते हैं कि जी लगाएं नहीं लगाएं, स्टेटस को कर देंगे हम इसको। तो ये हम एंटर कर गए हैं फेंसिंग के पास। हमारा दोस्त अभिषेक वैसे भी बहुत शरीफ लड़का है, देखो अपने आप ही लगा रहा है। देखिए गाइस माउंटेन फॉक्स, छुप गई है पत्थरों में, वो ऊपर जा रही है एक ओरी, देखिए आपको दोस्तों। गाइस 4500 मीटर की हाइट पे करीब आई थिंक 25-30 किलोमीटर का ये मैदान है। इट्स नॉट लेस देन मोरे प्लेन्स, अगर प्रॉपरली इसको डेवलप किया जाए, रोड बना दी जाए तो मोरे प्लेन्स जैसा एक्सपीरियंस रहेगा इसका भी। मैं आपको दिखाता हूँ क्या कन्फ्यूजन होता है। देखिए एक रोड इधर राइट में जा रही है, एक सीधे भी टायर मार्क्स हैं, बीच में रहना है आपको। हमने शेडो देखी कितनी खूबसूरत आ रही है क्लाउड की, बहुत जबरदस्त। बस ये पोल है यार, इन्हें फॉलो करते चले जाओ। अभी फिलहाल तो यही स्टेटस है 2022 में, आज 24 जून है, तो मार्किंग वगैरह कुछ नहीं है, बस ये पोल फॉलो करते चले जाओ आप। कार से तो यार यहाँ पे 20-25 की स्पीड ही मेंटेन हो पा रही है, पोल्स जो है गाइड कर रहे हैं आपको उमलिंगला के लिए। आगे गूगल मैप बता रहा है कि कोई टार रोड आने वाली है, तो वेट कर रहे हैं। अभी तो पिछले 20 किलोमीटर से सब ऑफ रोड ही चल रहा है। है तो सारा रास्ता ऑफ रोड, लेकिन इतना बड़ा कोई गड्ढा मिला नहीं है मेरे को जिससे कोई गाड़ी आपकी डैमेज हो जाए। किसी कई पॉइंट्स पे 70-80 की भी स्पीड पहुंचाइए। देखो पहुंचा के दिखाता हूँ अभी आपको, पहाड़ पे कच्चे में पहुंच गई बात तक, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैदान पार हो के थोड़ा सा पथरीला सा टूटा फूटा रास्ता आ गया है, यहाँ पे बहुत ही ध्यान से चलाना पड़ रहा है, काफी पत्थर हैं यहाँ पे। तो गाइस करीब 28 किलोमीटर टोटल चल के ये सामने टार रोड आ गई है,
यहाँ से इस रोड पे चढ़ने के बाद लेफ्ट ले लीजिए, अब अच्छी रोड है ये और सब कोई दिक्कत नहीं है। सारे रास्ते में आपको ये देखना है चिसुमले, चिसुमले के माइलस्टोन मिलेंगे। रोड अच्छी है, इस पे आप 60 की स्पीड तक बना के चल सकते हैं। गाइस ये हम पहुंच गए हैं, ये देखो इधर निबुला टॉप, नरबुला टॉप 17,328 फीट। चिसुमले इज अराउंड 15 एंड उमलिंगला इज लाइक 37 राइट नाउ। एक घंटा 37 मिनट गाड़ी चला चुका हूँ मैं। और ये देखिए चिसुमले 10 किलोमीटर फक्चे 43 नरबुला पास से हम नीचे उतरे, नीचे उतर के चले जा रहे हैं अभी 35 चिसुमले 7। तो गाइस चिसुमले से हमें यू टर्न लेना है, यू टर्न लेके पुल क्रॉस करना है। दिस इज द गेट वे टू उमलिंगला। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए आप यहाँ से यू टर्न लेना ध्यान रखिए, नहीं तो सीधे चले जाएंगे तो गलत चले जाएंगे। वेलकम टू वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। भाई ये देखो जस्ट उमलिंगला से पहले ही ग्लेशियर्स नजर आने शुरू हो गए हैं। अब आपको जो माइलस्टोन फॉलो करना है वो है देमचोक। बीच बीच में उमलिंगला भी लिखा आ जाता है लेकिन देमचोक या उमलिंगला दोनों अपना देख के चल सकते हैं। देमचोक इससे आगे पड़ता है। डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। राइट नाउ द एलिवेशन इज 5400 मीटर्स। उमलिंगला नहीं आ रहा है बोर्ड लिखा हुआ कहीं भी, देमचोक आ रहा है हर जगह। यू आर नाउ हायर देन द बेस्ट एवरेस्ट बेस कैंप। गाइस हियर वी हैव रीच्ड द उमलिंगला पास। यू कैन सी द ऑक्सीजन कैफे, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑक्सीजन कैफे। द हायर द हिल स्ट्रॉन्गर द विल, वर्ल्ड्स हाईएस्ट। गाइस हम पहुंच गए हैं उमलिंगला पास पे। गाइस ड्रीम कम ट्रू, ब्यूटीफुल यहाँ पे एकदम। ये फ्लैग्स लगे हुए हैं, वहाँ पे खड़ी करी है हमने गाड़ी और यहाँ पे है कैफे। अभिषेक भाई सेट कर रहे हैं ट्राईपॉड, उसके बाद लेंगे हम फोटोग्राफ। अमेजिंग गाइस द फ्लाइट फ्लाई एज एट अराउंड 29,000 फीट एंड आर कार इज फ्लाइंग एट 19,000। गाइस ये अंदर एक छोटा सा रूम बना हुआ है। हेयर इज द सर्टिफिकेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, द हाईएस्ट altitude road is Umlingla Pass at 5798, that is 19,024 feet. BRO ने ये 16 नवंबर 2021 में बनाया था। इसके जस्ट अपोजिट में है Umlingla Hut जिसके अंदर है सर्टिफिकेट और यहाँ पे है एक कैफे, ब्रो कैफे। लेट्स हैव सम टी। वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफे आई थिंक। Yes, sir. 19,000 feet. यहाँ पे रख दो भैया। थैंक यू। थोड़ा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम तो हो रही है इधर और हैवीली ब्रीथ करना पड़ रहा है। दिस इज नाइस प्लेस, यहाँ पे यू कैन हैव टी एंड कॉफी। वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑक्सीजन कैफे, दिस इज इट। But right now there is no oxygen, so you are on your own. गाड़ी अपनी उमलिंगला पे भी एक सेल्फ में स्टार्ट हो गई है।
कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वैसे टेम्परेचर भी बाहर का कुछ ज्यादा तो नहीं, कम नहीं है, 8 degrees है, बट देर इज विंड चिल। बाय बाय उमलिंगला। सो वी हैव अचीव्ड द अनबिलीवेबल। गाइस आर यू एक्साइटेड आफ्टर दिस? यस वेरी मच। त्यागी जी बहुत बढ़िया, ये फोटो अमेजिंग। ऑक्सीजन लेवल 75 था मेरा यहाँ पे। यार सांस गहरी गहरी लेके लेनी पड़ रही है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है यहाँ पे। अभिषेक भाई ने हल्की सी रनिंग करी थी तो हालत खराब हो गई इनकी, बट अ सेंस ऑफ अचीवमेंट गाइस। काफी हेड हैवीनेस महसूस कर रहा हूँ, एक्चुअली फील हो रहा है कि कम ऑक्सीजन में बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। आज की ड्राइव बहुत लंबी है, वी विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम वॉट एवर वी कैन कवर। आवर डेस्टिनेशन इज कसोल। तो गाइस लास्ट माइलस्टोन पे लेफ्ट साइड में जुरसार 21 किलोमीटर लिखा हुआ था, बस यहाँ पे आपके सामने एक पोस्ट भी नज़र आ जाएगा शायद आर्मी का। यहाँ से राइट हमें लेना है और फिर सीधे पोल्स के साथ साथ चलना है जैसे हम आए थे, वो सामने रास्ता है। पोल्स के सहारे वापस लौटते हुए सामने देख के खूबसूरत